आदाब, नमस्ते। मैं आपकी सुखराज, आज आपकी जो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा डिमांड के ऊपर मैं आपके लिए लेके आई हूँ फॉइल पेंटिंग। तो आप घर पर कैसे फॉइल पेंटिंग करेंगे और कैसे हम अपने सूट को डिजाइनर सूट बनाएंगे, आज पहली बार मैं ये पहली वीडियो बना रही हूँ। आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हमें बहुत सारे फोन आ रहे थे कि ब्लॉक पेंटिंग के साथ साथ आप हमें फॉइल पेंटिंग भी सिखाएं। तो चलिए, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फॉइल पेंटिंग। तो हम लोग जो हमारे कंसेप्ट होता था बुटीक का, कि हमारे डार्क सूट हैं उनको हम कैसे डेकोरेट करें, क्योंकि यहाँ पे जो फैब्रिक पेंटिंग है वो थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं लगती जितने अच्छा हम लोग यहाँ पे इस डार्क बेस के ऊपर जो है फॉइल पेंटिंग करेंगे। तो फॉइल पेंटिंग में हम लोग सिल्वर ग्लिटर्स लेंगे, गोल्डन ग्लिटर्स लेंगे, अलग अलग टाइप की जो हमें है शाइन वाले कलर्स वाले ग्लिटर्स मिल जाते हैं। तो आज मैं यहाँ पे सिखाने जा रही हूँ आपको, एक शर्ट के ऊपर हम लोग फॉइल पेंटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉइल पेंटिंग। सबसे पहले फॉइल पेंटिंग के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए आपकी मनपसंद का कोई भी स्टेंसिल। ये मेरे पास मैंने डिजाइनिंग करके रख ली है, ब्रीक डिजाइनिंग चाहिए हमें स्टेंसिल में। ये बेल है हमारे पास, और लाइक ये बॉर्डर है, और बॉर्डर भी काफी टाइप्स के हैं हमारे पास। आप भी ऐसे कई टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स बना सकते हो, और साथ में है स्टेंसिल के साथ में आप लोग, जैसे हमने ना इसमें क्या होता है कि नेक लाइन, ये पूरी की पूरी नेक लाइन है, पूरा डिजाइन नेक लाइन, और ये हमारे बॉर्डर, एनी टाइप मैनी टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स। एंड यहाँ पे मैंने कुछ बूटी भी बनवा रखी है, ये बड़ी वाली बूटी है और ये छोटी वाली बूटी है बॉर्डर के साथ, और आई हैव पीकॉक, एक पीकॉक भी है मेरे पास। ये पेंटिंग सबसे इजी है, सबसे सुंदर है, और ये रही छोटी छोटी बूटी। तो यहाँ पे मैं आज क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं यहाँ पे, अच्छा आपको ये बता दूं कि स्टेंसिल आप पूछेंगे कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ये स्टेंसिल मैंने खुद बनाए हैं, अपने डिजाइन में खुद बनाई है, एक इस कटर के साथ ये पेपर के ऊपर मैंने स्टेंसिल बनाया। आप ऐसा स्टेंसिल, अगर आपको ये जो है शीट वाला स्टेंसिल नहीं मिल रहा, आपके पास ऐसा नहीं अवेलेबल है, तो आप ये आइवरी शीट का स्टेंसिल तैयार कर सकते हैं कटर के साथ, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करेंगे कि हम लोग अपनी जो शर्ट है उस पर क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए जस्ट एक बॉर्डर बनाऊंगी, ये रहा बॉर्डर, और ये एक बूटी डालेंगे, ठीक है, और साथ में देखते हैं घेरे के साथ साथ कुछ छोटा छोटा नेक लाइन भी बना देंगे, ठीक है जी। तो एक हम लोग नेक लाइन ही ले लेते हैं, इजी है ये बनाना। तो सेम आपने देखा हमने क्या करना है कि जो है हमारा घेर है उसके सेंटर में निशानी लगा लेनी है। घेरा हमारा 25 स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम लेंगे, देखिए 25 स्टैंडर्ड मेजरमेंट, 25 स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो घेर है, जो विड्थ है कपड़े की वो ले लेंगे, और इसका हाफ कर लेंगे 25 का 12 एंड हाफ को यहाँ पे मैं नेक लाइन के सेंटर में रख लूंगी, यहाँ मैं निशानी लगा लूंगी। तो यहाँ पे ये हमारा जो है शर्ट का पैटर्न, नेक लाइन का पैटर्न रेडी है। तो चलिए अब क्या चाहिए, अब चाहिए सेकंड हमें चाहिए पत्ती। ये तीन प्रकार की पत्ती है मेरे पास, छोटी वाली और बड़ी वाली पत्ती है। जो आप पूछेंगे कौन सी पत्ती है, तो मैं बताऊंगी, जैसे वाल पुट्टी करते ना जिसके साथ, वो वाली पत्ती है ये, ठीक है।
ये जो हमने इसके ऊपर फॉइल पेस्ट लगाई थी वो अभी आफ्टर 4 आवर्स 4 घंटे के बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहिए, वाइट थी ना पहले वाली, तो ये ट्रांसपेरेंट होगी। अब मैं इसके ऊपर मेरे पास है सिल्वर सिल्वर चमकी वो लगाऊंगी, ठीक है। तो आप इसके ऊपर हम लोग सिल्वर चमकी अप्लाई करेंगे, तो ऐसे थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में देखिए हल्का सा मैं ऐसे लगा लिया, ऐसे हल्के हाथों से इसको इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छे से फिक्स करेंगे, पूरी तरह से अच्छे से फिक्स करेंगे, और सभी जो मैंने यहाँ पे बूटी डाली है, जो डिज़ाइन डाले उसके ऊपर हल्का हल्का सा ऐसे डाल के मैं इसको अच्छे से मर्ज कर दूंगी। इसमें से मर्ज कर दूंगी के बाद ये जो है एक्स्ट्रा जो डस्ट है उसको हम लोग कवर कर लेंगे, साफ कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे इसके ऊपर तो ऐसे इसके ऊपर हमने सिल्वर ग्लिटर लगा लिया। ये देखिए कितना शाइन कर रहा है। आपको इतनी महंगी कढ़ाई करवाने की जरूरत नहीं है अगर आप फॉइल पेंटिंग करते हो, तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है हमारे लिए। इस पर हम जो है शादी के कपड़े सीजन में डालते हैं ना, वो शाइन वाले लहंगा वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये कंसेप्ट है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप इसको बहुत पसंद करोगे और कंटिन्यू इसको आगे सीखोगे और बनाओगे। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ऐसी आगे भी बहुत सारी बढ़िया और डिफरेंट वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।